निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बार पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर ये सब चीज हो रही है, पुलिस लगाना कोई ऐसी चीज, या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जो उनकी काम की राजनीति है उनको नहीं रोका जा सकता। बट मैम, 9 summons skipped very very clear and categorically high court also want to say that no coercive action would be not granted to Mr. Arvind Kejriwal, is it not flouting of the law? See, this entire matter is going on into the court and still today the court has given the notice to the ED and तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हमारे साथ सरदार आरपी सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ गणेंद्र भारद्वाज भी मौजूद हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, लगातार कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है ये, दरअसल पूछताछ या छानबीन करना मकसद नहीं है, राजनीति करना और अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भेजना मकसद है, और सीधा आरोप बीजेपी पर, सीधा आम आदमी पार्टी के नेता आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे हैं। देखिए, केजरीवाल साहब लगातार एक ही बात कह रहे थे कि मैं तो प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ, मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो या मेरे पास आ जाइए, मेरे घर पे आ जाइए, मुझसे प्रश्न उत्तर कर लीजिए, मैं उत्तर दे दूंगा सारे प्रश्नों के। अब ईडी उनके घर पहुंची है, प्रश्नों के उत्तर दे, अगर वह उत्तर सेटिस्फेक्ट्री होंगे तो ईडी उन प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड कर लेगी, क्योंकि जो के कविता अरेस्ट हुई उसके चलते हुए कई जानकारियां ईडी को जो समझ लगती है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं अंदर की, जो समझ लगती है कि खूब सारी जानकारी ईडी के पास होंगी जिसको वह कन्फर्म करना चाहते होंगे केजरीवाल साहब के साथ। तो एक बात तो है, एक बात मैं आज बड़ा स्पष्ट कर दूं, एक बात तो है कि शराब में घोटाला हुआ, उसका पैसा यहाँ से ट्रांसफर हुआ। मैं उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट दीजिए। विजेंद्र सिंह इनके विधायक लड़े थे गुजरात से, उनको गाड़ी पकड़ी गई, जब गाड़ी पकड़ी गई उसमें लाखों रुपए पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर है ये आमिरी था। सर ठीक है, घनेन्द्र जी के भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आपका कहना कि यही कह रहे थे अरविंद केजरीवाल, घनेन्द्र जी यही कह रहे थे कि पूछताछ कर लीजिए, आ जाइए घर पर, आ जाइए, बुला क्यों रहे हैं? तो अब आ गई है ईडी की टीम, पूछताछ कर रही है, तो ये आरोप क्यों कि गिरफ्तार करने के लिए आई है? देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जांच ईडी का मकसद नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ही मकसद है नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी क्योंकि अरविंद केजरीवाल से डरते, अरविंद केजरीवाल की काम की राजनीति से डरते, नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है कि अरविंद केजरीवाल गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों दे रहे हैं, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज क्यों दे रहे हैं, क्यों दिल्ली में डेवलपमेंट के काम करें, नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं है। और एक बार नहीं, चार चार बार आमने सामने की लड़ाई में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हराया है। बस यही खुंदक है, यही टीस है कि कैसे भी लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा चेहरा है, और अरविंद केजरीवाल जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो उससे नरेंद्र मोदी जी को दिक्कत होगी। और नरेंद्र मोदी जी को पता है भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कोई चैलेंज है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं, बुलडोज करना चाहते हैं, जब हॉनरेबल हाई कोर्ट ने